इस सीरीज़ में हमें 1000 इम्पोर्टेंट MCQs कवर करना है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन नहीं देखे अर्थात पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लेना। ये सारे क्वेश्चन ITI और कोपा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आना 100% स्वाभाविक है। पहला क्वेश्चन है, यूज़र्स को देखने और बेसिक सिस्टम को मैनिपुलेट करने, हार्डवेयर जोड़ने या सॉफ्टवेयर हटाने तथा यूज़र अकाउंट को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर। जुमला एक प्रकार का है। जुमला CMS का एक प्रकार है। फॉर्म की सूचना को सर्वर पर भेजने के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल किया जाता है? सबमिट, ऑप्शन बी। निम्न में से जुमला प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त तो होता है? ये सभी PHP, SQL और HTML, ऑप्शन डी। CMS का विभाजन किया जाता है? CMS का विभाजन किया जाता है कनेक्शनलिटी के आधार पर और लाइसेंस के आधार पर, दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML के खोज करता है? टिम बर्नर्स-ली HTML के खोज करता है। HTML का अंत टेक प्रारंभ होता है? HTML का अंत टेक प्रारंभ होता है ऑप्शन बी स्लैश से। HTML फॉर्म के इनपुट तत्व होते हैं? ये सभी टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, रेडियो बटन, ऑप्शन डी। HTML फॉर्म में यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रयुक्त तो टैग कौन सा है? ऑप्शन ए फॉर्म। जुमला संरचना का एक प्रकार है? एक्सटेंशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फ्रेमवर्क लेयर या फिर ये सब? ये सभी। मूड का पूरा नाम क्या है? MOOD, मूड। मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ऑप्शन ए। वेबसाइट के ऑपरेशनों में बदलाव हेतु आवश्यकता होती है? वेबसाइट के ऑपरेशनों के बदलाव में प्रयुक्त होती है PHP लैंग्वेज। वेबसाइट की डेटाबेस में कनेक्टिविटी करने के लिए स्पेस का ज्ञान होना आवश्यक है? PHP के साथ साथ SQL का ज्ञान होना ज़रूरी है, ऑप्शन बी रहेगा आंसर, SQL। वेबसाइट की डेटाबेस में कनेक्टिविटी रखने के लिए आपको SQL की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑप्शन बी रहेगा। VYSIWYG का पूरा नाम क्या है? Which you see is which you get, ऑप्शन ए। शुद्ध WYSIWYG एडिट का उदाहरण है?
नेट ऑब्जेक्ट फ्यूज़न और ड्रम बीट, ऑप्शन डी। शुद्ध कोड पर आधारित एडिटर है एक्टिव वेबर। कंपाउंड एडिटर है विजुअल पेज एक कंपाउंड एडिटर है, ऑप्शन डी। CSS में प्रयुक्त सेलेक्टर का प्रकार कौन सा है, क्लास और ID सेलेक्टर, ऑप्शन सी। CMS का पूरा नाम क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए। CSS का पूरा नाम, CSS का पूरा नाम है कैस्केड स्टाइल शीट। फ्रेमवर्क लेयर निर्मित होती है लाइब्रेरी से, फ्रेमवर्क से, प्लगइन से या फिर सभी से, उपरोक्त सभी। टेबल को डिफाइन करने वाला HTML टैग है ऑप्शन बी, टेबल लिखा जाता है। टेबल के हेडर को डिफाइन करने वाला HTML टैग कौन सा होगा, ऑप्शन ए, TH लिखा जाता है। हेडिंग के लिए HTML में प्रयुक्त टैग कौन सा है, ऑप्शन ए। स्पेस के प्रयोग द्वारा CSS को HTML में इंसर्ट किया जाता है, इनलाइन CSS कहलाता है। इनलाइन CSS के द्वारा CSS को HTML में इंसर्ट किया जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से एक्सटेंशन लेयर का भाग नहीं है, प्लगइन्स एक्सटेंशन लेयर का भाग नहीं है। कंपोजर का गुण है, कंपोजर का गुण है इसकी गति तेज होती है और इसका आकार छोटा होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से फ्रेमवर्क लेयर का भाग नहीं है, निम्न में से फ्रेमवर्क लेयर का भाग नहीं है, मॉड्यूलस निम्न में से फ्रेमवर्क लेयर का भाग नहीं है, बाकी प्लगइन्स, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी ये सारे फ्रेमवर्क के भाग हैं, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है, पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी। ये जो डायग्राम है इसमें उपरोक्त CSS नियम आरेख में सी प्रदर्शित करता है डिक्लेरेशन भाग, डिक्लेरेशन ब्लॉक, ऑप्शन सी। उपरोक्त CSS नियम आरेख में ए प्रदर्शित करता है,
उपरोक्त CSS नियम आरेख में A प्रदर्शित करता है। सेलेक्टर ऑप्शन ए। उपरोक्त CSS नियम आरेख में B प्रदर्शित करता था, ये डायग्राम ऊपर चले गया है, डिक्लेरेशन ऑप्शन बी। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो लिखा है फॉर्म वैलिडेशन .js को रेफर करने का सही तरीका क्या होगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्म वैलिडेशन .js इन्वर्टेड कॉमा और स्टैक को बंद किया जाता है, ऑप्शन डी। निम्न में से जावास्क्रिप्ट में कौन सा एक वैध चर नाम नहीं हो सकता, निम्न में से जावास्क्रिप्ट में कौन सा एक वैध चर नाम नहीं हो सकता, टू जावा ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए। जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड को वेब पेज पर लिखने का सही तरीका क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ड को वेब पेज पर लिखने का सही तरीका क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ड लिखें आप, ऑप्शन सी। ये सारे टैग और ये सारे जो सेगमेंट है HTML के, ये सारे आप ध्यान रखना, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, यहाँ से क्वेश्चन इजी पूछेंगे लेकिन पूछे जाएंगे। किसी एलिमेंट को इनविजिबल करने के लिए किस एट्रीब्यूट में बदलाव करना होगा, इनविजिबिलिटी में बदलाव करना होगा, ऑप्शन सी। जावास्क्रिप्ट का नाम जावा से मिलता जुलता क्यों है, जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो जावा से मिलता जुलता है इसलिए। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है वेब ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र में, ऑप्शन सी। जो टैग में लिखा है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में जो जावास्क्रिप्ट लिखा है ब्रैकेट बंद करके, इस टैग को किससे बंद किया जाता है, स्लैश लगा के, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वैध जावास्क्रिप्ट चर नहीं है, टू नेम्स, ऑप्शन ए। जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट में गेट टाइम ब्रैकेट फंक्शन दर्शाता क्या है, द नंबर ऑफ मिलीसेकंड सिंस January 1, 1970, ऑप्शन ए। कौन सा एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड करता है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड करता है, ऑप्शन ए। HTML के किस तत्व के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी। ये सारे टैग आप ध्यान रखना। जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा इंटरप्रेट की जाती है, जावास्क्रिप्ट किसके द्वारा इंटरप्रेट की जाती है, क्लाइंट। किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट इन्वर्टेड abc.js को रेफर करने का सही तरीका क्या होगा,
ऑप्शन सी, टैग में स्क्रिप्ट src लिखेंगे इक्वल टू abc.js लिखा जाएगा, ये फॉर्मेट ध्यान रखना। जावास्क्रिप्ट में किसी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? इफ का इस्तेमाल किया जाता है, इफ। जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सही तरीका क्या होगा? जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सही तरीका ऑप्शन बी रहेगा। आपको डेट ऑब्जेक्ट नेम लिखना है इक्वल टू न्यू डेट और ब्रैकेट में दो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स आपको लिखने होंगे। जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को रीडायरेक्ट करने का मेथड क्या होगा? जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को रीडायरेक्ट करने का मेथड क्या होगा? विंडो डॉट लोकेशन, जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को रीडायरेक्ट करने का सही मेथड यही है, विंडो डॉट लोकेशन, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? जावास्क्रिप्ट में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा? विंडो डॉट रीलोड, विंडो डॉट रीलोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की नई कॉपियां बनाना क्या कहलाता है? किसी ऑब्जेक्ट की नई कॉपियां बनाना इंस्टॉलेशन कहलाता है। ये वर्ड आप ध्यान रखना, ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम के वर्ड हैं, इंस्टॉलेशन करना कहलाता है। जावास्क्रिप्ट किस डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट नहीं करती? जावास्क्रिप्ट किस डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट नहीं करती? यह इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट नहीं करती। जावास्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट नहीं करती, ऑप्शन बी। ये 602 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 400 क्वेश्चन और बाकी है जो इस वीडियो के बाद में अपलोड किए जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, तो आप उपलब्ध रहें और इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सॉल्व कर लें। ऑल द बेस्ट।